आज बेटा क्लास सिक्स सेवंथ एट्थ नाइन्थ और टेंथ के लिए मैं हिंदी की ग्रामर जो आपको बता रहा हूँ, इस ग्रामर को सभी बच्चे नोट कर लेना और नोट करके उनकी रीडिंग मार लेना, क्योंकि अपन को सभी के लिए ग्रामर तो कॉमन रहेगी। इसलिए मैं आज क्या कर रहा हूँ कि ग्रामर का थोड़ा सा पार्ट्स बता देता हूँ, जिसको आप थोड़ी सी रीडिंग कर लेने की आदत बना लेना और उनको एक बार सभी बच्चे सिक्स सेवन एट नाइन टेन सभी के लिए कॉमन होगी। तो पहला अपना होगा कि विधाएं, तो गद्य की विधाएं होती कहानी, एकांकी, नाटक, उपन्यास, जीवनी, रिपोर्टाज और डायरी, और उसके बाद में गद्य की 12 विधाएं होती है। तो वो परीक्षा में पूछ लेगा गद्य की कोई 2 विधाओं के नाम लिखिए, गद्य की कोई 4 विधाओं के नाम लिखिए। तो इस प्रकार से गद्य की विधाएं मैंने आपको बताया था, कहानी, एकांकी, नाटक, उपन्यास, जीवनी, रिपोर्टाज, संस्मरण, डायरी, ये गद्य की विधाएं। अगला निबंध किसे कहते हैं, निबंध किसे कहते हैं, तो ये हो गया आपका प्रश्न। उत्तर, निबंध बोलू के फोन पर बोल देता हूं, निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक एक सीमित आकार में अपने मनोभावों को व्यक्त कर देता है, उसे निबंध कहते हैं। आई बात समझ में कि निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक एक सीमित आकार में अपने मनोभावों को व्यक्त कर देता है, उसे निबंध कहते हैं। अब क्या होता है बेटा, निबंध की डेफिनेशन अलग अलग है। ये जो मैंने निबंध की डेफिनेशन बताई है, ये निबंध की डेफिनेशन है बाबू गुलाम राय के अनुसार, फिर आ जाएगी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, तो वो अलग अलग ऐसे तो आपके लेवल सिलेबस में इतना नहीं है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखिए, या वो ये नहीं बोलेगा कि डॉक्टर हरिशंकर परसाई के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखिए। सबने अलग अलग विचार की और व्यक्ति दी थी, लेकिन अपन से पूछ रहा निबंध किसे कहते, यहाँ वो नहीं कह रहा है कि बाबू गुलाम राय के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखिए, तो यहाँ से वो बोल रहा निबंध किसे कहते, तो किसी की एक ही विचारधाराओं को आप अभिव्यक्त कर सकते हो। तो अपन ने क्या बोला था कि निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक एक सीमित आकार में अपने मनोभावों को व्यक्त कर देता है, उसे निबंध कहते हैं। अब अगर निबंध के प्रकार, निबंध के प्रकार लिखिए, तो उत्तर में लिखना है निबंध ऐसे लिखना, आपको लिखने का थोड़ा सा स्टाइल से अच्छे से लिखना जिससे समझ में आए कि बच्चों ने व्यवस्थित काम किया। उत्तर, निबंध के 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1 वर्णात्मक, नंबर 2 भावात्मक, नंबर 3 विचारात्मक, नंबर 4 आलोचनात्मक। ये निबंध 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, समझ गए, लिख लेना इनको अच्छे से। अब बोला कहानी,
कहानी किसे कहते हैं? कहानी किसे कहते हैं? कोई दो कहानी कारों के नाम एवं कहानी लिखिए। तो वैसे प्रश्न है तो लिखने की अपन को जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो तो हेडिंग डाल के उत्तर कहानी किसी व्यक्ति, ऐसा बोल सकते हो कहानी वह ग्रंथ रचना है, ऐसा नहीं तो अपन इसको ऐसा बोलते कहानी किसी व्यक्ति या वस्तु के जीवन की इकहरी घटना आत्मक इकाई को कहानी कहते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु के जीवन की इकहरी घटना आत्मक इकाई को क्या कहते हैं? कहानी कहते हैं। ठीक है, आप लिख लोगे ना कि किसी व्यक्ति या वस्तु के जीवन की इकहरी घटना आत्मक इकाई को क्या कहते हैं? कहानी कहते हैं। अब बेटा इसमें ये बोलेंगे कि कोई दो कहानीकारों के नाम और उनकी कहानी लिखिए, तो इजी वाले लिख लेते हैं अपन कहानीकार। एक तो लिख लो मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। दूसरा लिख लो जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। देखो ये जो मैं ग्रामर आपको लिखा रहा हूं ये फिर आपको मैडम आपके सब्जेक्ट की जो टीचर होगी, जो भी आपकी टीचर है तो वो मैडम आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देगी। मैं तभी आपको मैडम की अनुपस्थिति में ये ग्रामर इसलिए करा रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्ट रहेगा, जैसे ही आप क्लास में आओगे तो आप टीचर को बता देना कि ये हमको सर ने उस समय कराई थी, तो आपको मैडम यदि इसमें कोई संशोधन नोट करेगी तो कर लेगी, नहीं करेंगे तो फिर आपको यही ग्रामर चलने देगा। तो मुंशी प्रेमचंद की कहानी अपन कोई भी कहानी का नाम लिख सकते है, तो मुंशी प्रेमचंद की तो बहुत सारी कहानियां थी। पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर, दूसरी इसकी पूस की रात, पूस की रात। जयशंकर प्रसाद की कहानी कौन सी लिखना बेटा अपन को? जयशंकर प्रसाद के लिए जो पुरस्कार और गुंडा, पुरस्कार गुंडा, ये मुझसे जयशंकर प्रसाद की कहानी हो गई। ये दो कहानी पंच परमेश्वर, पूस की रात, पुरस्कार और गुंडा, ये कौन की कहानी हो गई? जयशंकर प्रसाद की। इस तरीके से आपको लिखना, यहां लिख सकते हैं अपन कहानीकार और उनकी कहानी। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा आपका उपन्यास। अब हेडिंग डाल डाल के लिख लेना, उपन्यास तो लिखेंगे कि उपन्यास व गद्य रचना, उपन्यास वह गद्य रचना है
जिसमें लेखक किसी व्यक्ति या वस्तु के जीवन की संपूर्ण चारित्रिक घटनाओं का वर्णन करता है, उसे उपन्यास कहते हैं। देखो कहानी में एक चरित्र घटना का वर्णन होता है, कहानी जो होती है वो किसी एक व्यक्ति के साथ घटती है इसलिए उसको कहानी कहते हैं। उपन्यास क्या होता बेटा, किसी व्यक्ति या वस्तु की संपूर्ण जीवन की घटना। जैसे एक चोरी हो गई किसी की साइकिल की, तो राम की साइकिल की चोरी हो गई ये बन गई आपकी कहानी, और सभी की साइकिलें यदि चोरी हो जाती है तो वो बन जाता आपका उपन्यास। चोरी के साथ में यदि आपका बैग भी चोरी हो जाता है, चाबी भी चोरी हो जाती, तो वो सब चीजों की जो घटना घटती है, किताब भी चोरी हो गई, तो वो कहलाएगा आपका उपन्यास। और केवल आपकी एक पेन चोरी हो जाता है एक व्यक्ति का, वो कहलाती कहानी। और जहां संपूर्ण घटनाओं का वर्णन हो जाता उसे अपन कहते हैं उपन्यास, और एक घटना का वर्णन जहां होता उसे कहते हैं कहानी। इतना भी लिख लोगे तुम्हारे हिसाब से तो ठीक है। अब इसके बाद लिखना अपन को कि कहानीकार, अब लिखना उपन्यासकार और उनके दो उपन्यासों के नाम। उपन्यासकार यहां लिख लेने, ऐसे काफी पर अच्छे से लिख लेना उपन्यास का, और यहां लिख लेना रचना है ऐसे भी आप लिख सकते हो जमा। प्रेमचंद गबन या गोदान लिखो, इजी है गोदान। दूसरे का अपन लिख देंगे इजी, देख लेते हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती का बेटा उपन्यास का नाम था गुनाहों का देवता। ये हो गए आपके उपन्यासकार प्रेमचंद, धर्मवीर भारती, इसका हो गया गोदान, इनका हो गया गुनाहों का देवता। ठीक है, अब आती है आपके संस्मरण। तो संस्मरण में लिखेंगे अपन कि संस्मरण वह गद्य रचना है जिसमें घटनाओं की
झांकी प्रस्तुत की जाती है उसे संस्मरण कहते हैं। संस्मरण वह गद्य रचना है जिसमें किसी विशेष झांकी और झांकी की घटनाओं का वर्णन किया जाता है उसे कहते हैं संस्मरण। जीवनी तो जीवनी वह गद्य रचना है जो दूसरों के द्वारा लिखी जाती है उसे जीवनी कहते हैं। जीवनी वह गद्य ऐसे लिखना बेटा, जीवनी वह गद्य रचना है, जीवनी वह गद्य रचना है जो दूसरों के द्वारा द्वारा लिखी जाती है उसे जीवनी कहते हैं। अब आ रही आपकी आत्मकथा। आत्मकथा में लिखना बेसिक आत्मकथा वह गद्य रचना है जो स्वयं के द्वारा लिखी जाती है उसे आत्मकथा कहते हैं। आत्मकथा वह गद्य रचना है जो स्वयं के द्वारा लिखी जाती है उसे आत्मकथा कहते हैं। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, ये जो मैं बता रहा हूं ये आपके लेवल के हिसाब से, क्लास के हिसाब से, देखिए आत्मकथा के एग्जाम्पल, उनके लेखक, उनकी रचना, इतनी सारी चीजें हैं। तो जब आप क्लास में आओगे ऐसा चैप्टर अपन पढ़ेंगे तो उस समय भी आपको लिखवा देंगे या उसमें वो ऐड कर लेंगे, ठीक है। इतना ही कर लो आप अभी, फिर उसके बाद देखेंगे। एक आध तो करा देता हूं, चलो। नई कहानी किसे कहते हैं? नई कहानी किसे कहते हैं? उत्तर लिखना, नई कहानी से तात्पर्य उस कहानी से है जो विश्वविख्यात होती है। कहानी मतलब अपन जैसे बोलते हैं स्टोरी, स्टोरी का मतलब होता है जैसे कोई फिल्म सुपरहिट हो गई, सुपरहिट फिल्म का मतलब मान लो। तो ऐसे ही अपन बोलेंगे कि नई कहानी किसे कहते हैं? नई कहानी से तात्पर्य उस कहानी से है जो विश्वविख्यात होती है, जो संपूर्ण भारत में पहचानी या जानी जाती है, उसे नई कहानी कहते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न आ रहा है कि नई कविता किसे कहते हैं? क्या बोला बेटा मैंने? नई कविता किसे कहते हैं? नई कविता किसे कहते हैं? ये प्रश्न और ये होता है नई कविता, वैसे के वैसे बोलना नई कविता से तात्पर्य उन कविताओं से है जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद या सन 1947 के बाद जो कविता लिखी गई है उन्हें नई कविताएं कहते हैं। नई कविता से तात्पर्य उन कविताओं से है जो कविताएं देश स्वतंत्र होने के बाद लिखी गई है या सन 1947 के बाद जो कविता लिखी गई है उन्हें नई कविताएं कहते हैं, ठीक है। इतना आप कर लेना, फिर उसके बाद देखते हैं परसों ग्रोसर कराता।